दो फरवरी को निम्बाहेड़ा में जो विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या हुई थी, उसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करते हुए तीन व्यक्तियों को जो सहयोगी रहे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे, उनको अरेस्ट कर चुके थे। आज इस घटना के जो दोनों मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने फायरिंग कर इस हत्या को अंजाम दिया था, उन चार व्यक्तियों में से दो मुख्य अभियुक्त हैं, उन दो की आज गिरफ्तारी की गई है, अजय पाल और कृष्ण पाल सिंह और थाना सिसोदिया। ये दोनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और इन अभियुक्तों के पीछे लगातार हमारी पार्टी रेड कर रही थी। हम मंदसौर पुलिस के सहयोग से लगातार इनके पीछे रेड्स किए जा रहे थे और इनको अल्टीमेटली हमने प्रतापगढ़ जिले में, जो मध्य प्रदेश की सीमा है अरनोद के पास, वहां से इनको राउंड अप किया है। ऐसा लगता किस तरह से प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक जो जानकारी और जो पूछताछ से इनसे सामने आई है, उसमें जो अजय पाल है ये प्रतापगढ़ जेल में रहा है और उसी समय अरविंद आंजना जो केसुंदा का निवासी है वो भी प्रतापगढ़ जेल में रहा है। और अरविंद आंजना की और बंटी और विकास आंजना की रंजिश जो थी, उसी के मद्देनज़र उसने इस अजय पाल को जेल में तैयार किया था और अजय पाल के अनुसार उसे 15 लाख रुपए में इस चीज का सौदा तय हुआ था कि वो अपने साथियों को लेकर के और इसको अंजाम देगा। इसके लिए उसने अपने तीन साथी तैयार किए थे और ये लगातार पिछले 2-3 महीने से विकास और बंटी आंजना की रैकी कर रहे थे। दो बार इन्होंने ऑलरेडी कोशिश की थी लेकिन उन दोनों बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाया और ये सफल नहीं हो पाए और 2 तारीख को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।